बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। आए दिन वो इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं इन दिनों अक्षय कुमार का बाल्ड लुक भी काफी छाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अक्षय के इस नए लुक की तुलना बाजीराव मस्तानी फिल्म के रणवीर सिंह के साथ कर रहे हैं, जिस पर अब अक्षय ने भी अपना जवाब दे डाला है। दरअसल हाल ही में फिल्म हाउसफुल 4 के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने तुलना पर कहा, बाला का जन्म लंबे बालों के साथ हुआ था, जिस वजह से उसका नाम राजकुमार बाला रखा गया। 2 साल की उम्र में शाही मुंडन कार्यक्रम में राजकुमार का सिर मुंडवाया गया, लेकिन इसके बाद उसके बाल कभी उगे ही नहीं। सिर पर बाल नहीं उगने की वजह से उसके दिल में नफरत भरने लगी और वो लंबे बाल वाले लोगों को मारने लगा। ये किरदार किसी की नकल नहीं है और ना ही इसका बाजीराव मस्तानी में रणवीर के किरदार या लुक से कोई कनेक्शन है। तो देखा आपने, अक्षय ने खुद बता दिया है कि उनके लुक का रणवीर के लुक से कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही खिलाड़ी कुमार ने अपने किरदार का भी खुलासा कर दिया है। बता दें कि फिल्म का गाना शैतान का साला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स बाला चैलेंज एक्सेप्ट कर अक्षय के डांस स्टेप को फॉलो कर वीडियोस शेयर कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया है, यही वजह है कि इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। बता दें कि हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार के अलावा रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, कृति खरबंदा, पूजा हेगड़े भी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। फराज सामजी के डायरेक्शन में बनी हाउसफुल 4 इस दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत मजा आएगा आगे, देखो अभी तो शुरू किया है, करीबन 40 मिनट ही हुए हैं इस जर्नी को लेके, और थोड़ी देर में हम सूरत पहुंच जाएंगे, उसके बाद बड़ौदा, फिर कोटा, फिर मथुरा, फिर दिल्ली। हाउसफुल की महारानियां कितनी एक्साइटेड हैं आज? कौन क्या लाया खाने के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्म प्रमोशन के लिए हम ऐसे दिल्ली जाएंगे, तो अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेन में जाने वाला हूँ, लेकिन अब आप ट्रेन में आ चुके हैं। लग नहीं रहा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं कुछ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं सच्ची में ट्रेन में हूँ। मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा, एक हिल रहा है, ट्रेन हिल रहा है। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ। एंड रितेश जी, तो सवाल यही था कि हाउसफुल 4 का ट्रेलर आ चुका है एंड गाने, जैसा कि बात हुई कि बाला गाना लोग बहुत ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या कुछ फील करते हैं फिल्म आने से पहले? जब हमने देखा ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड गाना भी लोगों को नहीं, क्या होता है कि एक मोमेंटम बनता है जब एक प्रोमो हम बाहर लोगों के पास लेके जाते हैं, लोग उसे पसंद करते, सराहते, और उसके बाद एक और गाना, दूसरा। आई थिंक इट वाज ग्रेट कि अक्षय जी ने एक गाने का स्टेप कर लिया, वो इतना वायरल हो गया है कि हर जगह लोग खुद स्टेप करके पोस्ट कर रहे, सो दैट शोज कि कितनी एक्साइटमेंट लोगों में है। वी आर हैप्पी दैट तो मेरी एक खुद किस्मत ही है कि अक्षय जी के साथ ये मेरी 5वीं फिल्म है। आई लव अक्षय जी। कुछ जैसा कि सब यहाँ पर हर किसी, कोई नहीं घर से कुछ ना कुछ लाए हैं खाने के लिए, आप भी कुछ लाए हैं? मैं खुद को लेकर आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है जब से मैं आया हूँ, कोई कुछ खाने को दो। मैंने 2 बिस्किट उठा लिए, मखाना खा लिया मैंने, तो कृति मेरे को कुछ डब्बा है वो गिरा भी दिया है। इन्होंने गिरा है,
इन्होंने गिराया नहीं, लूट रहा है, लूट रहा है। नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी, अगर आपके कुछ डब्बे हो तो आप दे दीजिए। हां डब्बे तो आप दे दीजिए, दे दो दे दो। अक्षय सर, काफी जंग जो है, काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, अगर बाला की बात हो, द बाला चैलेंज हो, या फिर का शैतान का वो भी शैतान का, काफी वो सेम गाना ट्रेंडिंग चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस रिस्पांस को देखकर जो भी सोशल मीडिया पर मिल रहा है और चारों तरफ लोग वीडियोस बना रहे हैं, हमने भी बनाया था अभी जस्ट बाहर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, अच्छी बात है। मतलब अभी मैं हाल ही में एक और वीडियो इनको दिखा रहा था कि देयर इज दिस गाय जो 20-22 साल से ही इज ऑन वेंटिलेटर एंड वो भी कर रहा है ऑन वेंटिलेशन, ही इज डूइंग इट दिस होल थिंग एंड सो इट्स बिकम वायरल एंड इट लुक्स यू नो अपने आपके करियर में बहुत कम टाइम होता है कोई ऐसा गाना मिल जाता है जो वायरल हो जाता है। जैसे मुझे याद है तू चीज़ बड़ी मस्मस हुआ था, फिर चुरा के दिल मेरा, तो ऐसे कई कुछ गाने मिल जाते हैं आपको जो कि सही जाके बैठ जाता है। जी, जैसे कि ट्रेलर में सर हमने देखा कि पुनर्जन्म की कहानी, तो आप पर्सनली कितना बिलीव करते हैं इस पर? रीइंकार्नेशन मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा पहला जन्म है और मेरे अगले जन्म में मैं अक्षय कुमार बनूंगा। जरूर हर कोई बनना चाहता है अक्षय कुमार। अरे मैं, तू दूसरा जन्म ले अगले, तू कुछ और बन, तू रितेश देशमुख बदरी वाट लग जाएगी। तू चंकी बन। सो अक्षय सर, जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या जैसा कि आपने बताया गेम्स खेलने वाले हैं काफी, क्या कुछ होने वाला है, कुछ बताएं आप? पता नहीं, कुछ भी खेलेंगे यार, हाउसी खेल लेंगे, अंताक्षरी खेल लेंगे, जो मर्जी है खेलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मीडिया और हमारे साथ अंताक्षरी का बैटल हो जाए तो नहीं नहीं दम शरारत खेलते मीडिया के साथ, कैमरे के सामने जितनी एक्टिंग हम करते ये भी तो करते हैं ना। सवाल अंताक्षरी, अंताक्षरी अक्षय सर ने बोल दिया, क्योंकि डम शराज करने के बाद हम खुद को एक्सपोज नहीं कर रहे। बॉबी सर अगर बात कीजिए, आप काफी इंटेंस नजर जा रहे हैं, यहाँ पिकनिक सब सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, काफी नहीं है कि आज सुबह में 4 बजे उठना पड़ा। एक हमारे हैं दोस्त अच्छे भैया, जो बोल जो हमें बुला कर खुद लेट आए, तो इनकी नींद शायद पूरी ना हुई हो, लेकिन इनको आदत है कम सोने की। ये बॉबी जी बहुत खुश है, फर्क है कि इनकी अंदरूनी खुशी। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, 14 घंटे बचे हैं। जैसे कि ट्रेन में प्रमोशन हो रहा है, तो बचपन की कुछ रिलेटेड ट्रेन से रिलेटेड कोई मेमोरी आप शेयर कर पाए जो काफी इंटरेस्टिंग था? चंबल, चंबल के डाकू की बहुत अच्छी कहानी है। तू सुना, अब तू बोला है ना, अभी उसने प्रश्न मुझसे पूछा, तुम लोगों ने बोला, अब तू सुना। मैं आपकी कहानी, मैं तुम्हें अक्षय कुमार ₹150 की शॉपिंग फैमिली की थी, पापा ने पैसे दिए थे, तो ये ट्रेन में बैठे थे, फिर क्या हुआ रात को 12 बजे डाकू लोग, चंबल से गाड़ी वगैरह होती रहती है उस टाइम पे, होती थी ये जो स्कूल में ऐसे होता है ना, ऐसे बोल रहे हो। हाँ, तो वो लोग घुसे और उन्होंने सबका बैगेज बाहर थ्रो करना शुरू कर दिया, और उस टाइम पे इतनी अकल थी कि चिल्लाए नहीं, और वरना चुपचाप बैठे रहे, और इनके सामने इनका सामान भी बाहर फेंक दिया, और मैं उस दिन लूटा गया। अभी तक इंडस्ट्री में बॉलीवुड में इतनी एनर्जी के साथ जितना शैतान, जिस तरह आपने शैतान का शाला जिसमें एक्ट किया हुआ है, अपने बाला का जो
आज तक किसी ने इतनी एनर्जी के साथ नहीं किया, तो कुछ कहना चाहेंगे इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपको बताना है। ऐसा है देखिए, इतना बड़ा चेक जो मुझे मिला है वो आपको मिला, आपके भी अंदर से सब निकलेगा नहीं सर, आपका सारा शैतान जो है बाहर आएगा। हर एक स्टेप के लिए एक नया एक्सप्रेशन निकाला है अक्षय सर ने। यू नो ही गॉट दैट थिंग विद द गर्ल्स बिहाइंड हिम, इफ यू नोटिस द वे ही इज मूविंग हिज आईज एंड हिज मस्टैश, इट्स जस्ट फैंटास्टिक। वी ऑल ट्राई टू डू दैट स्टेप एक बार, और जैसा ये करते हैं वैसा कोई नहीं करता है।